राय बेटा, फरीद मुझे बता रहा था कि सुहेल की तबीयत ठीक नहीं थी, वो चला गया। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं। तुमने अपनी मां से कहा कि वो तैयार रहे? नहीं, वो मुझे याद नहीं रहा। एक बेटा, कैसे बच्चे हो तुम कि तुम्हें याद नहीं रहा? उन्होंने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। तुम भी अपना काम खत्म करो और हमारे साथ चलो। Come on, Dad, वो एक एंगेजमेंट पार्टी है। मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता। बेहतर होगा कि सिर्फ आप और मॉम ही जाएं। देखो, वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूं। क्या ये काफी नहीं है? बेटा, उन्होंने पूरी फैमिली को इनवाइट किया। देखो, अगर मीडिया ट्रायल के बाद भी हसन ने अपने घर की तकरीब में हमें दावत दी है, तो इसका मतलब है कि वो हम पे ट्रस्ट करता है। ठीक है, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन डैड, फिर भी हम मीटिंग रख लेंगे। ये शादी, मेहंदी, मंगनी, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। प्लीज आप मुझे इसमें से एक्सक्यूज कर दें, रहने दें। अच्छा, मैं मुस्तफा से कहता हूं, वो तुम्हारे साथ जाए। चलो, सारा को तुम्हारे साथ भेज देता हूं। नहीं डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जी, शाम तक पहुंच जाएंगे। मैंने उनसे यही कहा है कि हॉस्पिटल की नर्स ने किया था। ओके। झूठे बहाने बनाने से थकती नहीं है आप? तो क्या कहूं, क्या बताऊं मैं लोगों को? अच्छा, वैसे तो बहुत लेक्चर देती हैं आप सच्चाई के, ईमानदारी के, तो आंटी को सच क्यों नहीं बताया? तुम्हारी बेटी मिल गई, इतना ही काफी। बाकी मैं क्या और क्यों कर रही हूँ इसमें मत पड़ो प्लीज। आप पहली सास नहीं है जो अपनी बहू से ये चाहती है? इनफैक्ट इस दुनिया की सारी सासें अपनी बहू से यही चाहती हैं कि उनके बेटे की करतूत सामने आ जाए तो बहू कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो क्या करूं, बता दो तुम मुझे। क्या करूं मतलब, सबको सच बताएं कि आपके बेटे की करतूतों की वजह से उस 2% की औरत ने मेरी बेटी को अगवा किया था। अच्छा, और क्या बताऊं? क्या मतलब और क्या बताऊं, जो सच है वही बताएं। अच्छा, और ये भी बता दूं कि तुम झूठ बोलने में और बहतान लगाने में माहिर? तो बता दें। मेरे पास तुम्हारी हठधर्मी का मुकाबला करने का न वक्त है और न स्टेम। तुम जाओ, जाकर अखबार में इश्तहार छपवा दो अपनी हठधर्मी के। हसीन और मासूम तो तुम पहले ही थी, न जाने कब दिल में उतर। दिल में उतरने वाले सिर्फ तकलीफ देते हैं। मुहतात रहिएगा, पता नहीं कब क्या कर जाए। तुम अगर मेरे दिल पे खंजर भी चला दो ना, तो ये दिल तुम्हारी ही गवाही देगा। हाथ हटाए। आइंदा ये जुर्रत मत कीजिएगा।
मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, इसीलिए तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। जिसका बगैर किसी रिश्ते के हाथ थामा था, कल उसकी कब्र पर फूल चढ़ाकर आई हूं मैं। जानते हैं ना, मैं वो नहीं हूं। मेरी एक गलती तुम माफ नहीं कर सकती, वो औरत मेरी गलती थी। लेकिन मैं गलती नहीं। मैंने कब कहा कि तुम गलती हो? लेकिन इज्जत भी तो नहीं बनाया आपने। क्या चाहती हो तुम? ऐसा क्या करूं जो तुम्हें यकीन आ जाए? पहले मुझे अपनी इज्जत बना, सोसाइटी के सामने मुझे ओन कर, फिर मेरा हाथ पकड़िए। मैंने कब इनकार किया तुम्हें इज्जत बनाने के लिए? मैं तुम्हें ओन करने के लिए तैयार हूँ माँ पारा, मैं तुम्हें ओन करना चाहता हूँ। मुकर तो नहीं जाएंगे? आजमा कर देख लो। इतनी देर हो गई है, पता नहीं क्यों नहीं आया रायद अब तक। रायद के साथ सारा है, वो उसे संभाल लेगी। फिक्र करनी है तो उसकी करो जो अकेला रह गया। किसकी बात कर रहे हैं? सुहेल की। वो अकेला रह गया, बीवी के साथ उसकी सर्द जंग जारी है। मुझे डर है शैला कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए। प्लीज विजय साहब, मैं थोड़ी देर के लिए ना इस टॉपिक को भूल जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ आई थी। शैला, हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर वालों को भूल जाए। क्या मतलब है आपको? अब उसकी तबीयत खराब हुई, उसने फरीद को बताया और चला गया, ना तुमसे बात की ना मुझसे। क्या हुआ है सुहेल? फरीद बता रहा था कि वो हॉस्पिटल गया। कौन सा हॉस्पिटल गया? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई क्या हसीन इत्तफाक है, हम भी यहाँ और आप भी तशरीफ ले। आपने फोन करके बताया नहीं कि आप लोग भी इधर आ रहे हैं। देखिए भाई, हसन साहब ने हमें दावत दी तो हमें भी अचानक आना पड़ा। हमें भी 11th आप ही इनवाइट किया था, इंसिस्ट किया तो हमारा भी आना जरूरी था। एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। अरे ये लीजिए, रायद और सारा भी आ गए। थैंक यू सो मच फजल साहब, आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में आए, मेरी इज्जत बढ़ाई। आपने हमें दिल से याद किया, हमें तो इस बात की बहुत खुशी है। बहुत शुक्रिया। आप अनाउंसमेंट कर दें। किसी का इंतजार है क्या? जी बस एक गेस्ट का इंतजार है, वो आते हैं तो अनाउंसमेंट करते हैं। कोई खास मेहमान आ रहा है क्या? जी जी बहुत खास मेहमान। जाहिर है कोई खास मेहमान हो सकता है कि इन्होंने बुलाया हो। Thank you.
तो कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल क्या है, ये तो कर रहे हैं? सहारा दे रहा हूं। सहारा नहीं चाहिए, साथ दीजिएगा। एक सेकंड, ये पकड़ेगा। चलिए ना, साथ ही तो दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। क्या हुआ, आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। शायद ये भी मेरी तरह आपको इनके साथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब तो आप इन्हें मेरे साथ देखने की आदत डाल लें। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि सुहेल और मैं बहुत जल्द शादी कर रहे हैं। क्या कह रही है? सुहेल चले। श्योर। Excuse me. Excuse me.
हाजरा वो शुरू से ही रंगीन मिजाज रहा है, तुम्हें उसके हिसाब से चलना चाहिए था ना। उसके दिल पे कब्जा करने के बजाय तुमने उसके घर को टारगेट बना लिया। उनके दिल में पहले से कोई दूसरी बैठी हुई थी। अब तो कोई नहीं है ना, लेकिन तुम अब भी उसके दिल में अपनी जगह बनाने के बजाय क्या कर रही हो? क्या कर रही हूं मैं? तुम्हारे ससुर तुम्हारी सास को पार्टी में ले जा सकते हैं, लेकिन तुम सोहेल के साथ जाने के बजाय यहाँ आ गई। फोन करती हूँ उसे कि तुम्हें भी साथ लेकर जाए। मैंने कॉल की थी लेकिन वो मीटिंग में थे, तो मैं क्या करूँ? तो आईना देखती और फिर अपने रंगीन मिजाज शौहर को देखती तो जवाब मिल जाता तुम्हें। क्या मतलब है आपका? अब इससे ज्यादा साफ मतलब मैं तुम्हें क्या समझाऊं हाजरा? तुम्हारे शौहर को रूती बसूरती औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे चमकती हुई चहकती हुई बीवी पसंद है। लग रहा है? नहीं, लोग देख रहे हैं। सवालों के जवाब देना आसान नहीं होता ना। मोहब्बत बड़े बड़े इम्तिहान लेती है। बड़े बड़े इम्तिहान दे दूं? खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। तमाशा लगा रही है। शैला, छोड़ो, दरगुजर करो। ऐसे कैसे? देख रहे हैं आप, सुहेल कैसे पर्स पकड़कर उसके पीछे पीछे। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, दरगुजर करो। तो क्या उसके पीछे पीछे घूमने दूँ? सब देख रहे हैं। शैला, अभी लोग देख रहे हैं। अगर तुम बोलोगी, तो फिर लोग सुनेंगे। क्या सोचेंगे सारे लोग? जिस लड़की ने कल तक हमें इतना बदनाम किया, आज हमारा बेटा। प्लीज शैला, समझने की कोशिश करो। छोड़ो, यहां तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपने देखा, सोहेल ने रायत की बात का जवाब तक नहीं दिया। जवाब तो वो हाथ में लेकर घूम रहा है। सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे ख्याल में चलना चाहिए, फजूल में टाइम वेस्ट हो रहा है। आई एग्री। चल, लेट्स गो। तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया यहाँ से? नहीं, कहीं और कुछ देखते हैं। यार वो और कहाँ जाएंगे? देखो यहीं से आंटी ने तुम्हें मेरे हवाले किया था ताकि मैं तुम्हें थोड़ी फ्रेश लुक दे सकूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मॉम ने मुझे जबरदस्ती तुम्हारे साथ भेजा क्यों है।
वरना हमेशा तो वो मुझे तुमसे मिलने से रोकती है। अच्छा बस रहने दो, अभी ये बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम कुछ देख लो अपने लिए। और सैलून का टाइम भी तो निकल रहा है, हम लेट हो रहे हैं, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पर। सैलून को रहने दो, फरी भी घर पर अकेली होगी। यार तुम उसकी फिक्र छोड़ नहीं सकती, अभी घर पे बहुत लोग हैं उसे संभालने वाले, अभी तुम कहीं और से देख लो कुछ। हाँ ठीक है चलो। कैसे हैं सुहेल साहब? I'm good. How are you? Ah, not bad. By the way, congratulations. I heard about your daughter. That's so horrible to imagine. There is nothing horrible to imagine, Shahid sahab. Baby ka aisi auraton ke paas se wapas mil jana badi baat hai. जानती हूँ बेबी का वहां से मिलना बड़ी बात है, लेकिन हॉरिबल नहीं है। हॉरिबल तो जब होता है जब बेबी वहां से नहीं मिलती। और आप देखिए ना, बच्ची सही सलामत घर वापस आ गई है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं तो ऐसे ही बस। आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें, सुहेल मुझे घर पे एक फोन करना, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। बाय, मुझे दे दे। श्योर? या थैंक यू। आप मेरी फिक्र मत करें, मुझे पता है कि अब सुहेल को कैसे हैंडल करना है। अब वो मेरी मर्जी के बगैर एक कदम नहीं उठाएगा, अब वो मेरी डुगडुगी पर नाचेगा। डोर अपने हाथ में लेकर कैसा लग रहा तुम्हें? काफी टाइम बाद बहुत अच्छा लग रहा है। कोई लड़की तुम जैसी भी हो सकती है, तुम्हें याद है कभी इंसानियत की कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। फिर ये सब मुनाफ़कत है तुम्हें। हैरत होती है तुम्हें देखकर मां पारा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि यहां 99% मर्द तुम्हारे जैसे ही होते हैं। दूसरी लड़कियों को पहले गेम करके फंसाते हैं, और अगर कभी अपने घर में मुसीबत आ जाए तो परहेजगार होने का ड्रामा करते हैं। कल जिसकी किरदार कशी कर रही थी, इल्जाम लगा रही थी, आज सबके सामने उसे शादी करने का ऐलान कर दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे भाई को आई थी? पूछा था उससे जाकर, जवाब मिला? पूछो ना जाकर उससे, जिस लड़की ने उस पर उसके कैरेक्टर पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, क्यों उसके पीछे दुम हिलाता फिर रहा? नहीं, नहीं, तुम उन्हें किसी वजह से ब्लैकमेल कर रही हो, आई एम कंप्लीटली श्योर अबाउट दैट।
और ये सब जो ड्रामा है ना, ये उनकी मजबूरी है। पर मैं अपने भाई को जानता हूँ, वो ऐसे नहीं है। हुस्ना के पास भी मजबूरी की वजह से जाते थे, वरना वो तो ऐसे नहीं। अच्छा, यानी तुम इस बात को मानती हो कि तुम्हें उस समय कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे साथ मसला क्या है? किस बात की तकलीफ हो रही है तुम्हें? इस बात की कि तुम्हारा भाई मुझसे शादी करना चाहता है, या इस बात की कि इस बार तुम्हारे भाई ने तुम्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? किस बात का फायदा उठाकर फंसाया मेरे भाई को? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा भाई खुद फंसने के लिए मरे जा रहा है। मैंने तो बस उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया है, वरना मर जाएगा बेचारा। माफ कर, नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे भूख लगी है, खाना खाना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे आज इतना मेकअप क्यों दिलवाया। ये मेकअप नहीं है मेरी जान, ये तो हथियार है। मैं किसी जंग पर नहीं जा रही। हाँ, लेकिन सुहेल भाई जैसे शोहर के साथ रहना भी किसी जंग से कम तो नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, इतना सब कुछ करने के बाद वो मुझे देखेंगे? नहीं, वो मुझे देखेंगे तक नहीं। अरे क्यों नहीं देखेंगे तुम्हें, जब तुम इतनी प्यारी और हसीन लगोगी तो जरूर देखेंगे। प्यारी और हसीन तो मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन बस जरा अपनी जुबान को भी थोड़ा मीठा कर दो तो क्या ही बात है। मुझे लगा कि फजल बिल्डर्स के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। फिर मोहब्बत थी। जी सुहेल ने जो कुछ भी किया वो मेरी मोहब्बत में किया। रहेली? हाँ, ये शुरू से ही मुझसे मोहब्बत करते थे। लेकिन ये तो मैरिड हैं। इनके घर वाले इनके लिए एक अच्छे खानदान से बहू लाना चाहते थे, बस इसीलिए इनके साथ जबरदस्ती कर दी। अच्छे खानदान से क्या मुराद है आपका, कि आप अच्छे खानदान के नहीं? हमारे यहाँ अच्छे का मतलब दौलत होता है, और मैं तो इनके मुलाजिम की बेटी थी। मुलाजिम? हम मुलाजिम से कौन शादी करता है?
उसके साथ तो दिल लगी करके उसके वक्त की कीमत अदा की जाती। क्यों सुहेल? रायत, फजल साहब, बस बहुत हो गया तमाशा, चलो चलो। बेहयाई देखी थी उसकी आंखों में आपने, जरा लिहाज नहीं था। आप जिसे बेहयाई कह रही हैं, मेरी नजर में उसका गुरूर था। पता नहीं सोहेल को क्या पट्टी पढ़ाई थी जो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके सामने तो वो बोल भी नहीं सकता था, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। पहले भी कहा था मैंने आपसे, जो खुद सरी और एतमाद उसके लहजे में था वो ना किसी की मेहरबानी से आता है और ना किसी को बेवकूफ बनाकर। ये कैसे कह सकते हैं आप? पहले भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं डैड? आप लोगों को इंसानों की परख नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई हसन साहब। वो क्या? सुहेल साहब की बेटी की किडनैपिंग के बारे में कहने को तो मुझे महापारा ने कहा, लेकिन फिर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे बुरा लगा हो। क्योंकि वो हसीन ही नहीं, ज़हीन भी है। आइए ना प्लीज। घर वालों को कैसे संभालेंगे? जैसे हमेशा संभालता हूं। हमेशा शादी की ही बात करते हैं। मैं जानता हूं मुझे क्या बात करनी। इस लड़की के किरदार पर बदकारी का इल्जाम लगा चुके हैं। इसकी वजाहत कैसे देंगे? कह दूंगा मोहब्बत हो गई। सच नहीं बोलेंगे? सच ही बोलूंगा। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारे सिवा मुझे कोई और दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं। चले अच्छा सुनो,
जैसे तुम्हें समझाया है वही करना है तुमने। और प्लीज सुहेल भाई के साथ लड़ाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्यार से उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है? थैंक्स, चलो।